चको परांठा बर्थडे टू यू। इधर कहते भैणा भी आईया वा। तेरा बापू तेरी थां ते सी गवाही दे गया, दो रूहां वाले प्यार नूं ए दुनिया ना बंदी, फिर तेरे बाप ने सी मुल चोखा वालिया, मेरा बाप नाल खड़ा 1.5 लाख दे गया, नहीं 1.5 लाख नाल केड़ा तुसी कोठा पाया। चल ठाकुर यो हां आहा गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सारे, होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा ही है कि साजन भैया का था बर्थडे। हाँ आप आलो आ जाओ पहले। तो साजन भैया का था बर्थडे और आज है साजन भैया की बर्थडे की पार्टी। वैसे तो पार्टी कल भी हो गई है बट तुम पता अमीर बंदा दो तीन दिन पार्टियां आज मतलब सारे आएंगे। कल तो जो थे 2-4 लोग है ना वही थे। तो इससे पहले कि हम बर्थडे पार्टी में शाम को जाए, हम लोगों ने सोचा कि पहले साजन भैया के लिए कुछ लेके आए है ना। ये लिए समझ नहीं होता, वही समझ नहीं आ रहा कि क्या लेना क्या नहीं लेना। पर मैं लगी सी रेडी होने इधर, आपको पता ही है इस इंसान ने कभी टाइम लेकर ही जाना। कल रात को केक भी कब लेके आया वो साजन भैया, इसका वेट करते रहे कि इसके साथ केक कट करना, साथ केक कट करना, इस बंदे को फोन कर करके सारे मेरा सारा भांडा फोड़ता। मैं सवेरे उठते दसता कि मैं बालकनाथ बाबा जी ने मत्था टेकन जाना है, कि मैं इतने रात है नहीं। उन्हें मैंने कहा कि अच्छा वो बेवकूफ थे कि मैं अकेली उधर आ गई हूं। मैं तेन बाद च फोन नहीं किया कि शिनू इन्हों कहा कि अंकुश तो रात को निकलिया, पर मेरे से भैया ने पूछा नहीं। भैया ने बोला कि अंकुश कितने रह गया ये पूछा था, फिर भैया ने भी फोन करे, मैंने फोन करे। मैंने तो मैसेज पे इतना चिट्ठा लिखा हुआ है इसको कि आ जा, पर क्या करना, ये इंसान है ही लेट लतीफ। तो अब हम लोग जा रहे हैं गिफ्ट लेने, मैं तो रेडी होने लगी थी इधर, पता नहीं मैंने बोला, मैंने कहा घर के कपड़ों में चलो दे जाना, तो फिर चलो पजामा पजामा बदल लो, पार्टियां मित्रों दे रात नु नानू के तैयार हो नाई तो बैबी ने बस मारे मुंह धोया मेहमान हमारे घर पे आया है, ये ना पिल्लो छोड़ा है, नवा पिल्लो था वाइट, देख लो भाई इसने कुछ नहीं छोड़ना, इसको जहां जगह मिल रही वहां सो रहा है। एक ये एक वो त्रीजा का अंग है, वो अपने बेड पे होगा। नहीं ये मेरा बच्चा इधर बैठा हुआ है, तेरे को कोई नहीं पूछ रहा है शरारती। मैं समझ ही नहीं आ रही है, मैं की लिया के दवा हूं, बच्चा तो है नहीं, इन्हें मैं खटौने दे दवा, खटौने दे दो, तू जिद फड़ी आ गिफ्ट देना, गिफ्ट देना मेरा, बकवास ना करा करो, उल्टा लेके आवा कुछ। वो तो मेरे को आपको पता ही है कि आप खोके जरूर आओगे, पर इससे अच्छा है कि पहले कुछ दे दो फिर खोल लेना, ठीक है। तो मैं लगी हूँ रेडी होने, ये अड़ जा मेरे को ना दिखाने दियो, लोकन लगे ना गया गंदा। हाय गाइस, अब हम निकल गए घर से बिना नहाए धोए, बस शक्लों पे थोड़ा सा पोछा मारा और निकल गए। और तू ही मारया, मैं नहीं मारया पोछा, तुम्हारा तो क्या ही कहना, तुम चुपरा करो। तो फिर अब बस अब जा रहे हैं गिफ्ट लेने, नहीं ढूंढने कि क्या लेना, फिर उसके बाद मैंने सलून भी जाना है, तो मेरे को नहीं लगता कि ओ मैं कहना दे देने साजी नु गड्डी रिमोट कर ओके कोच साहब चलो होर की रिमोट कर देना नु आज। हां ठीक है रिमोट कार, भैया के जवाक का बर्थडे नहीं, भैया का बर्थडे है अभी फिलहाल, ठीक है। अंकू शॉप पे तो हम पहुंचने वाले हैं, पर तुम्हारा दिमाग अब तक चला कि नहीं चला? मेरा नहीं दिमाग, खाली दिमाग, मैं तो कहना बैट बॉल लेके देना प्लास्टिक वाला, वो भी है घर पे पड़ा हुआ था जो तुम लोगों ने सबने लिया हुआ था ना, उसको दे दो पैक करा के। फिर ये देखो इनकी की बैट बॉल दे देता, कभी रिमोट वाली कार देता, थोड़ी देर बाद कुछ और ना बोल दियो, छोटे बच्चों के खड़ौने ना बोल दियो जो उनको चुप कराने के लिए देते हैं। समझ नहीं आ रही मैं तो, चलो दुकान पे जाके देखते हैं कि क्या लेना क्या नहीं लेना, नहीं आएगी समझ तो फिर बाकी और देख लेंगे, ठीक है चलो। सुन लो गाने सुन लो। तो लो जी दुकान पे भी हम पहुंच ही गए, ए वी आई स्टोर पे एक ही ठिकाना। इनू झाड़ू पोचा लेके दवा अंकू, इधर आके तो ये भी पता लग रहा है कि कल होली है। कल होली है ते होली दा व्लॉग चेक करियो। कल हमने तो कुछ रंग रुंग कुछ नहीं लिया है। तू कादी टेंशन ली है? मैंने वो लेनी है वो बैग वाली पिचकारी, ठीक है। केड़ी बैग वाली? वो जो बैग जैसा टंगते है। ला तू ले, मैं क्या ले, मैं रोने लग जाऊंगी। आजा सेती कर फिर। चलो अब हम ऊपर जाते हैं, फिर आपको भी दिखाएंगे कि हमने क्या लिया क्या नहीं लिया। लो जी गिफ्ट शॉप तो हम लोग आ गए, बाकी अब मेरे को नीचे होली का ही सामान दिखा ज्यादा, तो चेक करो कैरम बोर्ड
बर्तन दे दो। तो लो जी गिफ्ट तो बहुत ज्यादा है, क्या दवा टाइमर। हाँ ये भी वैसे सही है गिफ्ट। बाकी चलो एक बार हम नजर डाल लेते हैं, कुछ लगा तो ले लेंगे। अंकू इधर आओ, इधर आओ, कुछ टाइम बाद हमें साजन भी आगो नहीं, कुछ टाइम हमें ये चीजें देना पड़ेगी। ये भी सही है वैसे तो, सब कुछ ही सही लग रहा है मुझे तो। चलो एक बार मैं नजर डाल लेती हूँ फिर देखते। ये तो नहीं लेनी बार्बी डॉल। चुप रहा करो यार। वाह जमा, नाले ताने नु गाने सुना के इंप्रेस करया करूंगा। चज की चीजें तो बोल दो अपने मुंह से। एक बार चलो गेड़ा लगा लेते हैं फिर मैं बताती कि जोरू के लिए नहीं बिकी रहता उन्होंने फ्लैट है। बिकी नहीं दे जाता ना मैं। सही है। एक चीज पसंद आई है सब तो टॉप ते भाई ए आ चेक करो जी। हाँ जी नाले मत्था टेकया करनगे रोज सवेरे ते है ना ते उदा गिफ्ट च कहंदे इदां दीआं चीजां देणीआं चाहीदीआं। ओ साजन मेरे बर्थडे तो कंफ्यूजन हो गई तानिया को तो 36 चीजें पड़ी हुई है। चलो कोई गल नहीं, बस उनू दसना पेना मक्खन अपना खाली विचों कढ के गिरना जी मक्खन चोर चोर चोर। सही है फिर आज दे दिए। हां मेरे को भी सही लग रही है। हैं चला जा फिर पैक कराइए ये। ओहो पैकिंग हो जूगी ना ये थी। चला जा इदा नहीं मन लगता ये पैक होना ना। ये दिल वाला यार सहेली का जन्मदिन है मेरी दिल वाला ओही गल्ला मेरे जन्मदिन पे तुम लेके आते ऐसे दिल। ओ दे कोई सिंपल जा काट थोड़ा जा बढ़िया लगे दिल वाले नु साजन सहेली आ एदे नाल तो फिर ओही सही है जेड़ा मैं तुम्हें दस्या पंख वाला। आहो ये पे छोटे पंख नहीं है दिखा दा मेरे दिखा दे। चल सर ये बेडशीट आपको इतने की मिल जाएगी। यार तू कादे इतना दिमाग खानी है शिनु। चलो लो मित्रों फाइनली अपन कृष्ण भगवान जी ले लिया ते आ केड़ा आही। हां पंख वाला ही करा ला ठीक है। दोनों सुबह उठे हंसता हुआ चेहरा देखे और पूरा दिन खुशी खुशी से जाए उन दोनों का। हां जी है ना। लो मित्रों और कुछ गिफ्ट करने की इच्छा हो मैं तो कहना हूँ जन्मदिन मेरा आवे मैं भी गिफ्ट मंगा उन्होंने कोई। तुम्हें तो हाथी घोड़े लेके आए। हाँ विक्की ले ही लै जावा मैं कहना। विक्की है ना नाले विक्की नू इत्थे लम्मा पा दिया करनगे अगे गर्मी आ गया मच्छर भी नहीं लड़नगे विक्की दे। यार थोड़ा सा बड़ा चीज हाँ देख लो साडे बाबे हाल लैण साजन लई गिफ्ट आए सी ते लै कापियां पेन लै लग गए जिवें सली सवेरे कॉलेज जाना हुंदा पेपर आ बहुत टेंशन आ चला जा चलिए उधर पैकिंग हो गई है मैं कहना चलिए ओके कर। रुक जाओ एक मिनट आप बेचारे को इतनी टेंशन है अपनी पढ़ाई की कल मेरा एग्जाम है इधर बैठ के लिखने लुखने कि मैं अपना वो क्या बोलता है उसको रिवीजन इधर ही कर लूँ। वाह वाह उस्ताद तेरे को कितने नंबर देंगे इस राइटिंग के। ओहो ये लिखा क्या ये लिखा क्या। डॉक्टरों की हैंडराइटिंग भी थोड़ी सही आती है पढ़ने तो आ जाती है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਡਾ ਲੋ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੰਗੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਲਿਖੋ ਯਾਰ ਚੱਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹਾਈ ਕਰਤਾ ਫੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਆ ਆ ਕੀ ਡੀਆਈਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਭਰ ਦੋ ਤੁਮਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ 0020 बस अब ना लिखियो इसके मेरी कॉपी पे जू भी ना लिखियो तेरी कॉपी भी खोलना एक मिनट एक मिनट देखन दे मैं उधर देख मेरी शॉप वो मैं उधर कॉपी देखनी अंदर के तेरी कसम लगे जे लिखया कुछ तेरी जैसी कॉपी है मेरी हां फाड़ी अंगू ना पकड़ो मैंने बोल दिया फाड़ी तू अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तेरी कॉपी का पेन फाड़ो। हां अब तुम नहीं मिलेगा पेन ट्राइमैक्स का पेन देख लो हम मैक्सट्रोन का आ गया अब ट्राइमैक्स करते थे मुझे मैं कह जानू मैं कॉल कर लिए 2 मिनट क्या कर लिए मखोल मखोल अच्छा
अंकु वैसे तुम्हें साजन भैया को ये देना चाहिए, छोटे बच्चों को ये चीजें देते हैं। देखो ए फॉर एप्पल ऐसे देते हैं। मेरी कॉपी देख कितनी सुंदर है, देखा की सुंदर है, देखा कलरफुल कलरफुल मेरी जिंदगी में रंग भरने के लिए ये कॉपी। खोल दी आगे तो कलरफुल ले ली। मैं नीचे रोने लग जाऊंगी अगर तुमने मेरे को बोन दिलाया बैग वाली, तो मैं बोल दी मैं नीचे रोने लग जाऊंगी, मैं सो जाऊंगी नीचे। पकड़ो अपना पेन, पेन पकड़ा दे मेरा, सवेरे में ट्यूशन जाना, बहुत टेंशन है। ट्यूशन जाना कि स्कूल जाना? एक चीज डिसाइड करो तुम, जाना कहाँ? तारीख पे तारीख कितनी है? 24 है। नहीं आज होमवर्क नहीं करना मैडम मारूंगी। मैडम क्या करूंगी? मैडम मारूंगी। अच्छा होमवर्क करते तो मैडम मारती है? उन्होंने दिया ही नहीं होमवर्क। चुप कर जाओ प्रभु। अंकु मेरे को बारबी डॉल लेनी है, इसको ज्यादा पकड़ो बोला। किदा चको परांठा रीस लगाते मेरी, वो तू तो पागल है, छोड़ प्रावा। इसको देख के मैं खुद पागल ना हो जाऊं। एक किन्ने दी आइटम? अपने आप नू आइटम कहना, तू कहना 620 रुपए का आइटम उठे रख दे। ऐसी कंपनी है ना, हैं चलना तो मेरे साथ। आपा तो बबे कॉपियां कूपियां ले लिया सुरे कॉलेज जाना, जाना पहला दिन। स्नैपी स्कूबी के साथ चलेगा वो, भोंकेंगे तू भोंकेगा? हां ना मैं तेरे को लेके जाऊंगी, बैठ चुप करके। बंद कर दे इनू, स्नैपी स्कूबी ने एक बार भोंकना ने 10 बार भोंक देना को। चल देखा की लिख दी। इधर लिख दूंगा गया, ये नहीं लगा दूं। दिया वैदरी लिखाई हुए आ कितना सीखी ही तू। मम्मी से मार खा खा के। एक का लिखाई ते उतो एक यार दी लिखाई ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਆ ਦੇਖਾ ਦੇ। ਓਕੇ ਆ ਚੱਕ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਆ ਚਲੀਏ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਲੋ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:06 ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਹਾਂ ਜਲਦੀ 8 ਵਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਿਕਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਾਈਟ ਖਾ ਲਈਏ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ। भाई एक गर्ल डलवाने आई थी, ये देख लो इन बहन जी ने, ये इधर दिखेंगे, इन्होंने टाइम लगा लिया पर कल मेरे ऐ नुक्के करे। 8:30 बज गए, क्या हुआ? 8:30 बज गए, पार्टी 8 बजे स्टार्ट और मैं तैयार हुई नहीं हूँ। खोलो खोलो जल्दी जल्दी खोलो, अच्छे से खोलो इनको। लड़ मत जाना दोनों। वैसे ही रेडी है, खा लूं अब इनको। एक डर रहा था, एक बिना डरे कर रहा है। जी गाइस सलून भी जा आई, कर्ल्स भी कराई, थ्रेडिंग वगैरह सब कुछ कराई, अब बस रेडी होने की बारी है। तो लड़के को टेंशन पड़ गई है सवेरे की कि मेरा एग्जाम है, आते ही पढ़ने बैठ गया और साथ में 3 दिनों को साथ में बिठाया हुआ है कि मेरे को रिवीजन कराओ। है छेती छेती तैयार हो जाओ, कोई बात नहीं कल अपने वो पेपर मिस कर देना। नहीं नहीं मैं स्कूल जाना। स्कूल जाना? आते ही बोलता कि मेरी कॉपी पेन दे, मैंने लिखना, मैंने तो लिखना पता नहीं क्या हुआ होगा, बस लग गया टांकरिया मारने वेली। क्या बोलूं मैं, किसी को दिखा देना अगला बंदा डर जाएगा। तो चलो मैं लगती हूँ रेडी होने और अंकुश भी नहाएगा धोएगा, तब तक मैं चुटकियों में रेडी होके आती हूँ।
नवे कपड़े लुधियाने लिया मैं होर कोई वधिया मौका भी है नहीं अपने को कपड़े पाउण दा ते शिनू ने भी जिहड़े कपड़े लुधियाने ले सी उह पाउंदी भी बस उहदे नाल इहनूं समझ ही नहीं आउंदा बूट किहड़े पावां अंदर खलारा चैक करो एक बार कपड़िआं दा अलमारियां भरियां पईआं बैड भरे पए बूट किहड़े पा रही हुण तूं कोई चक्कर नहीं पाला इन्ना कोई कोई नहीं हैगा एडा ते चलो मित्रों बाकी आ फिर दो तीन जने जिहड़े हैगे अपने फ्लैट च इत्थे ही रहिणगे रखवाली करनगे घर दी आ जिहड़ी आपां शॉपिंग लुधियाणे कीती सी इत्थे ही कपड़े रोलदे पए आ हौली हौली कल वी तुहाडा भरा इसे कपड़िआं च मिलूगा क्योंकि रील तां इसे कपड़िआं च बनाउणी आ ते बाकी मित्रों चलते हैं हुण उत्थे माहौल देखते हैं बिने का भी फोन आ गया कि मैं पहुँचन लगा तुसीं आ जाओ ते मैं बिने शिनू शिनू सब चले आपां फिर मिलदे आ सो हाँ जी गाइस हम लोग हो गए रेडी और रेडी होके हम लोग निकल पड़े क्योंकि हमें फोन पे 8 बजे का टाइम था वहां पे पहुंचने का और टाइम देख लो 9:30 हो रहे हैं 9:30 देख लो तो अब वहां पे पहुंचते हैं उधर से दिवांशु भी नहीं निकले उनके तो क्या ही बोलने कभी उनकी टी शर्टे टाइट हो रही है कभी उनके जूते टाइट हो रहे हैं कभी कुछ हो रहा है खाने पीने से हटना नहीं किसी ने तो फिर बोलना कि ये हो रहा है वो हो रहा है तो बस हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे वहां पे एक और बर्थडे भी है ना और वहाँ पे एक और बर्थडे भी है आगे भैया के फ्रेंड हैं कोई उनका भी साथ में बर्थडे है तो कोई चक्कर नहीं फिर हम लोग मिलते हैं वहाँ पे जाते हैं जो जो आया होगा उन सबसे अंकुश ठाकुर जी आपको मिला देंगे अगर नहीं मिला पाए तो फिर कि मेनू नहीं पता जो थे सेटिंग हो गई मेरी दारू पी के ले उधर दारू दूरू नहीं है कोई ठीक है मैं हमने बनाया कल का दारू है नहीं नहीं है कैंसिल है उधर आधी पार्टी है सारी ले जो आप चीज पीते हो वही है उधर वही तो है उधर वही पीते हो आप और क्या पी लेते हो बेली हवा पे तीर मारता है ये बंदा इसकी ना सुना करो तो चलो हम आधे रास्ते पे अपनी सोसाइटी के गेट के पास तो पहुंच गए और आगे को 5 मिनट और लगेंगे तो फिर बस तो चेक करो बाबा किदा बैठे आ खान पीन चेक करो इन्हां नूं यार तुहानूं पता ही है लेट आउंदा बिल्ला भी राह च आउंदा पिया मैनूं लगदा आपां नूं कुछ मिलना नहीं शिनू खान नूं अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है अभी तो पार्टी शुरू हुई है चक चक चलिए फिर अंदर नूं टोरना तेरा गाना भी याद आई रात सोफे ते की गई तू बैठे जदों रात सोफे ते की गया तू बैठे नी क्या सिंगर साहब चल गए कौन कहना पींदा मैं बहुत बहुत शुक्रिया सारे भरावां दा
ਕੱਲੇ ਵੀਰ ਨੀ ਆਏ ਪੰਚੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਡਰੈਗਨ ਬਾਲ ਸੀ ਆ ਜੇ ठाकुर ब्रदर मिला बाकड़ी हां मैं उन्होंने पंचायत भेजती आडे देते उन्होंने 1.5 लाख रुपया लिया तो 1.5 लाख रुपया लैन तो बाद घरों फादर साहब ने 1.5 लाख का देता मैं एक मध्य वर्गी परिवार की सी नॉर्मल चो तो फादर साहब ना हटे बोलनों दारू पी गया तो उदो मैं पागल हो गए 6 महीने मेरी दवाई चली डिप्रैशन की पटियाले तो फिर उस बाद कहानी मैं थोड़ी देख दी कोशिश की क्या कि टीचे जिंदगी मिथे ग्राउंड में टकरे वो कुड़ी ने दलील सी जैवन थोड़ी ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅਰਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਉਵਾਂਗੇ ਦਿਉਲਾ ਇਹ ਕਾਸਮਾਂ ਸੀ ਖਾਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨੇ ਪਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੱਸ ਗਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਤ ਸਪਰੇਹਾਂ ਤੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਦੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਚਣਾ ਬੜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਲਚਾਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਗਿਆ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਮੰਨੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸੀ ਮੁੱਲ ਚੋਖਾ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਨਾਲ ਖੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠਾ ਵਾਲਿਆ ਚੱਲ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਗਿਲੇ ਪਿੱਠ ਰੱਬ ਨੇ ਤਕਾਈ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੜਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਗੈਰ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਵੇਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪਤਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਬ ਮੂਹਰੇ ਪਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਸੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਸਿੱਕਵੇ ਤੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰੀ ਜਨਾਨੀ ਤੂੰ ਚੁਣ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜੋ ਕਹੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੀ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਲੈ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਆਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਿੱਕੀ ਤੂੰ ਹੈ ਆਹ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਝਰੀਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੂੰ ਆਟੋ ਲੈ ਕੋਈ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਕੀ ਬਾਤ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ
एक तो हार मान लो इस चेहरे को छोड़ के इन दोनों को देखो। हाय हाय कितने लड़ाकू हैं ये, कितने लड़ाकू हैं, भगवान डरे इन दोनों से। तो इसको भी वो छोटा है ना, वो छोटा है अभी, मेरे साथ लड़ ले, मेरे साथ लड़ ले, ले 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 ले, उसको देख लो साओ सही हुआ है पर नहीं जी हटेगा नहीं, हटेगा नहीं। इसको देख लो, इस लड़ाकू को, इस लड़ाकू को, इस लड़ाकू को देख लो। तो गाइज हम लोग फ्लैट पहुंच गए, पार्टी खत्म हो गई, सारे अपने घर चले गए और अब जाते हैं सो, क्योंकि सुबह है होली और सुबह भी जल्दी उठना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि शाम को लगे उठने 3-4 बजे, तब तक तो होली का कोई मजा नहीं होगा। तो बस आप लोग करना ब्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो नए हैं ब्लॉग में प्लीज वो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएगी कि भाई हम ब्लॉग आ गया। तो चलो मिलते हैं कल, अब गुड नाइट।